हैं कि देख लीजिए ना, ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट होने दो, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ग्रेजुएशन के जो 3 साल वेरी मच क्रूशियल है हमारे कैरियर के लिए, वो हम बिगाड़ देते हैं। किसमें? जस्ट हम कॉलेज जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं और खत्म होते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद जो हमारे ऊपर जो प्रेशर बन जाता है, कि चाहे वो घर का हो या और, उस हालत में हमें ऐसा लाइट होता है कि यार अगर हमने उस 3 साल में कुछ किया होता एक्स्ट्रा, तो हो सकता था कि हमने कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में होगी, राइट। तो ये अवेयर दिलाने के लिए, सी द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज नॉट दैट यू शुड टेक दिस एग्जाम। आपका इंटरेस्ट है तो आप लो, नहीं है तो नहीं, बट हमारा जो मेन एकेडमी का मेन फोकस है वो क्या है, आपको अवेयर करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉब्लम होता क्या है कि हम लोग को ना अवेयरनेस है ना कोई इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम अपने कॉलेज के बेसिकली जो क्रूशियल 3 साल है ना वो हम वेस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ड्रीम करता है कि मैं भी फ्यूचर में एस्पिरेंट बनना चाहता हूँ, IAS करना चाहता हूँ या IPS करना चाहता हूँ, ठीक है, ये ड्रीम तो होगा किसी न किसी का, मतलब सपना है, सपना तो हर किसी का होता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनूं। तो ये ड्रीम कहीं ना कहीं छिपा है आप सब में, लेकिन उस ड्रीम को फिर अचीव करने के लिए हम जागते नहीं है जल्दी। हम सोचते ड्रीम है, देखा जाएगा, मैं ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट कर लिए, बाद में फिर हम सोचेंगे कि आपने क्या करना। तो अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो ड्रीम है, राइट, तो देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम योर कॉलेज ईयर इटसेल्फ। डोंट वेस्ट दिस 3 क्रूशियल ईयर्स, बिकॉज हम क्या करते हैं, कुछ भी करना है तो बाद में करेंगे, ऐसा करके हम पोस्टपोन करते हैं, और इसीलिए जो है प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 साल में हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी, नहीं हो सकती है, 1 साल में भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो और आप डेडिकेटली उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, तो हो जाएगा 1 साल में। लेकिन वॉट इफ यू स्टार्ट विट अर्ली ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर में हो मान लो अभी, और आपने एटलीस्ट अपना जो भी शेड्यूल है स्टडी शेड्यूल उसमें से सिर्फ 2 घंटा, मैं ये नहीं बोलती कि आप ज्यादा टाइम, कंसिस्टेंटली डेली सिर्फ 2 घंटा भी अगर आपने UPSC के लिए दिया, तो साल में वो कितने दिन होते हैं, मुझे बोलो, 365 डेज होते हैं। अब ये 365 डेज में 65 डेज आप छोड़ दो, चलो 65 डेज आपने एंजॉय भी किया, ज्यादा कुछ किया, लेकिन कम से कम 300 दिन, 300 डेज भी आप लोग डेली 2 घंटा UPSC की प्रिपरेशन के लिए लगा दोगे, तो भी आपका साल में कितने अवर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, 600, और 3 साल में आपका कितना हो जाएगा प्रिपरेशन, कितने अवर्स का। तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो ग्रेजुएशन के बच्चे से कितना गुना ज्यादा हुआ, ज्यादा ही हुआ ना, मतलब वो ग्रेजुएशन होने के बाद स्टार्ट करता है, और आपने क्या किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ डेली कंसिस्टेंटली सिर्फ 2 घंटा आपने UPSC की प्रिपरेशन की, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने करता है। कि जैसे ही आपने ग्रेजुएशन निकाला और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हो, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है इन 3 सालों, समझ में आया। तो अर्ली प्रिपरेशन का फायदा, व्हाई टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद कॉलेज, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने कैरियर के 3 साल बचा सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ यंगेस्ट IPS और यंगेस्ट IAS ऑफिसर। और यही बात अगर आप इग्नोर करते हो, सिर्फ आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में स्पेंड कर देते हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद कहाँ खड़े होंगे, कहीं पर भी नहीं, रियली बिलीव नहीं, मतलब आप, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 2 घंटा तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो अर्ली प्रिपरेशन का एक फायदा तो ये होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई फील्ड में डेफिनेटली होंगे। सेकेंड ये होगा कि आपको कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे UPSC देना है, तो उस वक्त क्या हेडेक हो जाएगा, यार एक ग्रेजुएशन तो हो गया, अभी हमको 1 साल में क्लियर करना है एग्जाम, तो आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। तो वो टाइम की कमी की वजह से आपके दिमाग में एक प्रेशर बढ़ेगा कि जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना, और उस माहौल में आप क्या करोगे, गिनी चुनी किताब पढ़ के आप एग्जाम लिख के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी के लिए लोग सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो अगर आपके पास 3 साल है तो आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, फिर एक बेसिक किताब पढ़ ली जैसे लीली बासु है या सुभाष कश्यप की कोई किताब है, तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर
तीन स्टेज की एग्जाम होगी। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होंगे, ठीक है 100 क्वेश्चन होता है एंड पर क्वेश्चन कैरी हाउ मेनी मार्क्स 2 मार्क्स, सो 200 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पर दो पेपर होगा प्रिलिमिनरी स्टेज पे, जीएस पेपर 1 जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, और सेकेंड होता है सी सेट जिसमें रीजनिंग और बहुत सारी चीजें आती है। फिर सेकेंड अगर आपने प्रिलिम्स क्लियर किया तो सेकेंड स्टेज में आपको मेंस देना होता है। तो जो लोग प्रिलिम्स क्लियर करते हैं वही लोग मेंस दे सकते हैं। और ये जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव टाइप की होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी। और उसके बाद अगर सिलेक्शन हुआ तो वो क्या हो जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड में आप जॉइन करेंगे। तो ऐसे तीन स्टेज की एग्जाम होगी। क्लियर? देन जस्ट इन जनरल आप देखो पेपर पैटर्न जीएस पेपर 1 और सी से, तो टोटल मार्क्स है 400 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और मेन्स में आपको टोटली 9 पेपर्स होते हैं। अब ये 9 पेपर्स में जो 7 पेपर्स है उसी का मार्क्स आपको कैलकुलेट होगा। दो पेपर तो लैंग्वेज पेपर होंगे, एक इंग्लिश और एक हो जाएगा आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं और बाकी के जो 7 पेपर्स है उसमें जो आपका मार्क्स है वो 7-7 पेपर्स 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल में पेपर 1 एंड पेपर 2 और ऐसे करके टोटल 7 पेपर्स है और पर पेपर कैरीज हमारे मार्क्स 250 मार्क्स, ठीक है। देन इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का। जो फोकस सब्जेक्ट है वो होते हैं मेन 6 सब्जेक्ट, जैसे कि आप देखते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें पढ़ते हैं, तो जैसे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको यूजफुल होंगे। तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी है, ये सब हमको बेसिक सब्जेक्ट करने हैं और इन सभी सब्जेक्ट का आपको करंट अफेयर्स भी करना होगा। ये फोकस आपको प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में रखना होगा, राइट। तो इस 6 पिलर्स के ऊपर आपको काम करना होगा अगर आपको यूपीएससी में क्लियर होना है तो, राइट। नेक्स्ट इज पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज्यादा होगी। पेपर बहुत पाने करता है आपको मेंस के लिए, क्योंकि जब हम नॉर्मली पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है हम लोग सिर्फ बॉलीवुड के न्यूज देखते हैं या फिर कुछ ऐसी एंटरटेनिंग चीजें होती उसी को हम देखते हैं और मेन न्यूज जो है वो हम उस पर फोकस ही नहीं होता। तो वो जो हैबिट है वो हमको डेवलप करनी है राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आप न्यूज पेपर लो और उसमें से नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, साइंस एंड टेक उसको पढ़ो, उसको समझो, तो वो आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने क्या किया न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि ओके ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। अदरवाइज आपको ब्लाइंड होगा सब कुछ, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ते रहोगे, कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो आपको आइडिया ही नहीं। तो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन जिससे आपका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो भी ब्रॉड हो। क्लियर? अभी ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, फिर तो यूपीएससी क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यूज पेपर पढ़ना है, तो फिर इतनी ये एग्जाम के लिए इतनी हाइप क्यों है? तो सीम्स इजी, देन व्हाई शुड वी स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ? कॉलेज से हम लोग क्यों पढ़े, बाद में पढ़ लेंगे। इजी दिखती है लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि कितने लाख भरते हैं, 5 से 6.5 लाख कैंडिडेट प्रीलिम्स के लिए अपेयर होते हैं और उसमें सिलेक्शन कितना होता है, सिर्फ 10,000 to 15,000 लोग मेन्स लिख पाते। अभी उस मेन्स में से भी सिर्फ 2,000 to 3,000 पेपर जो है जिसको मॉक के लिए सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन फाइनली सिलेक्ट होते कितने इसमें से जस्ट 700 to 1,000 के बीच में लोगों की रैंकिंग होती है। तो दिस इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ ऑल द एग्जाम। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, जितनी भी आप एग्जाम ले लो, बैंकिंग हो, ये हो, लेकिन सबसे टफेस्ट हमारे स्टील फ्रेम जो है वो क्या है, यूपीएससी। नॉट जस्ट एन एग्जाम बट मदर ऑफ ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स की जो मेन हार्ड एग्जाम है, मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो है यूपीएससी। इसीलिए आपको राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू रियली ड्रीम टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर।
अभी होता क्या कि ग्रेजुएशन के टाइम हम लोग प्रिपेयर तो करते हैं लेकिन हमारा गोल ही है ना कि बनना ही है, तो इस वजह से हो सकता है मोटिवेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। आज बहुत पढ़ाई की कल कुछ नहीं करते हैं, तो मोटिवेशन तो आपका ऊपर नीचे होगा लेकिन आपको अपना जो डेडिकेशन है हम बोलते हैं डिसिप्लिन, मतलब मैंने बोला ना 2 घंटा कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना है, वो अगर आपने किया तो वो बहुत मैटर करेगा आपके प्रिपरेशन लेवल। मोटिवेशन हो सकता है किसी का अप एंड डाउन, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मुझे 2 घंटा देना है तो आप 2 घंटा डेली दे दो, वो जो आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो वो आप लोगों को बहुत आगे ले चलेगा। राइट, सो दिस वॉज एन ओवर देगा सबने वेब सीरीज, उसके बाद मालूम पड़ा कि 12वीं फेल देखा, 12th फेल देखा, लेकिन वो तो बहुत बेकार स्ट्रगल है, तो आटा आपको पीसना पड़ेगा। सब लोग पीसोगे? देखा है कि नहीं पहले मूवी वो देखा है ना? देखना है तो उसमें तो बहुत सारी जो स्टोरी है वो बनाई गई है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा हार्ड स्ट्रगल करता है अपनी रियल लाइफ में। वो उसका आप अगर इंटरव्यू देखोगे तो आपको मालूम पड़ा कि उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ रिस्क होती है।